हेलो दोस्तों, कैसे आप? ये हमारे पास दोस्तों साउंड ड्रम ठीक है, इसका जो है हमारा ये चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों ये सॉकेट ही इसका डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये सॉकेट हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या है ना ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे होगा दोस्तों, ये दे के रखा है, हम पहले इसको ओपन करते हैं। ये निकाल लिए दोस्तों, और ये सोल्डिंग लगे हुए हैं, ये बैटरी के पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं इनको भी। ठीक, ये हमने, और ये हमारा एंटीना। ठीक, ये एंटीना को भी हम निकाल लेते हैं, एंटीना निकाल दिए। ठीक है, हमारे ये बोर्ड हमारा फ्री हो गया। ठीक है, इसमें हमको ये चार्जिंग सॉकेट जो है डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये हमें चेंज करना है। ये देख लो, ये इसमें से बाहर ही निकल चुका है ये। ठीक, ये बाहर निकल चुका है, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, ये इसमें थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सोल्डिंग कम है, तो हम इसको क्या करते हैं सोल्डिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ये यहाँ पे, और इसके सारे पॉइंटों में यहाँ पे भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम ये बारीक आयरन की मदद से हम इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम इनके पॉइंट में भी सोल्डिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जो आपको ये दे के रखा है ये बोर्ड, ठीक है, बोर्ड में यहाँ पे भी हम क्या इसमें भी सोल्डिंग कर लेते हैं, ताकि हमारी ये पकड़ है मजबूत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो प्रिंट है वो निकल चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको साइड से सोल्ड कर देंगे। हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, ये सोल्डिंग, ये इसके प्लस माइनस में भी हम सोल्डिंग कर देते। तो यहाँ पे ये खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे भी हम थोड़ी से सोल्डिंग कर देते हैं, पेस्ट लगा के करते हैं, क्योंकि वो सोल्डिंग पकड़ नहीं रहा है। ठीक है, पेस्ट लगा के हमने सोल्डिंग कर दिए, और हम इसको सॉकेट पर यहाँ रखते हैं। ठीक है, सॉकेट को हमने यहाँ रख दिया। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको साइड साइड से सोल्डिंग कर लेते हैं फटाफट से, है ना, पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाना ज़रूरी, ताकि सोल्डिंग हमारी जो है जल्दी हो जाए, ठीक, मजबूत हो जाए, ठीक, ये पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और हमको दोस्तों यहाँ पे भी सोल्डिंग कर लेना, अच्छी मजबूत सोल्डिंग कर देते हैं, बड़े आयरन से हम कर देते हैं। बड़े आयरन से दोस्तों क्या होगा, अच्छा सोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, हम बड़े आयरन से इसमें जो है सोल्डिंग कर लेते हैं, बड़े आयरन से क्या है दोस्तों, सोल्डिंग अच्छी मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा कथर लग जाएगा हमारा। तो ये हम इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, ये ताकि अगर ये निकले ना
इसके ये। और दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, इसमें क्या है ना, हमको ये एक टू टिप या पेन आप ले सकते हैं, इसको क्या है ना दोस्तों, इसको इसमें लगा लें ताकि इसके अंदर जो है हमारा ये कथित ना फैले, ताकि हमको दोबारा परेशान ना होने पर, इसलिए एक ये ज़रूर लगा लें आप, ठीक है, ताकि कभी कभी कैसे दोस्तों सोल्डिंग करने में अंदर चला जाता है, इसलिए हम इसको इस सेफ्टी के साथ लगा लेते हैं, ये सोल्डिंग हो जाएगी बढ़िया। दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें क्या है ना जगह नहीं है पकड़ की, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि इसको मजबूती मिल जाए। मजबूती मिल जाए ठीक। अब हम इसको ये आराम से इसको निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया ठीक है। अब ये क्या है ना दोस्तों, आसानी से ये लग जाएगा ठीक है। अब ये निकाल लिया दोस्तों, ये जो प्रिंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की ठीक है, जो है दूर है, हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जम्पर लगा लेंगे, ये हम यहाँ पे जम्पर लगा लेंगे। जम्पर वायल की सहायता से इसमें जम्पर लगा लेंगे ताकि जो हमारी सप्लाई है प्लस माइनस की वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम जम्पर लगा लेते हैं। पहले हम इसमें वो लगा लेते हैं, पेस्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसमें जम्पर लगाना है दोस्तों। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी यही जम्पर लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रिंट हमारी जो है डैमेज हो चुके हैं ठीक है। तो उसको हम वायर में सोल्डिंग करके इसको हम क्या है ना इसमें भी जम्पर लगा लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्लस का ठीक है, प्लस में अभी हमें सोल्डिंग कर ली है। जम्पर लगा लिए दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं और उसमें लगा के हम चेक कर लेते हैं ठीक है। ये हमारा ये इस साइड लगा लिया ठीक है। अब ये हमारा जो वायर भी हम इसमें फोल्ड कर लेते हैं, प्लस का प्लस में या माइनस में, अब हम इसको माइनस में लगा लेते हैं। माइनस में लगा जो प्लस में नहीं, ये वाला दोस्तों प्लस है और ये है प्लस, ये है माइनस, मैंने इसमें साइन देख रखा माइनस का, तो हमने माइनस में लगा लिया। और दोस्तों ये प्लस में लगा लेते हैं, ये प्लस में लगा लिया ठीक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको चेक कर लेते हैं ठीक है, केबल की सहायता से हम इसको केबल लगा के इसको चेक कर लेते हैं हमारा चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है। तो ये केबल हमारे पास है, ये हमने इसमें लगा लिया। देखो दोस्तों ये लाइट जल चुकी है दोस्तों, है ना, ये हमारा चार्ज होने लगा है दोस्तों। देखो ये हो गया हमारा सही साठ, ये साउंड ड्रम ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों,
जो है पैक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या कहते हैं, ये नेटवर्क का जो पॉइंट है ये भी हम इसमें लगा लेते हैं, ठीक। नेटवर्क का पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। ये नेटवर्क का पॉइंट हम इसमें, नेटवर्क का पॉइंट भी इसमें लगा लेते हैं इसको। नेटवर्क का भी पॉइंट हमने इसमें लगा लिया, ठीक। अब हम इसको पैक कर देते हैं वापस। ये दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर ये जो इसका पहले क्या दोस्तों बटन लगी हुई थी ना, हम बटन इसमें लगा लेते हैं। ये बटन हमने स्विच से बोलते हैं स्विच, और ये इस साइड का ऐसा रखा है दोस्तों, ये ऐसा रखा गया। तो इसके हम सारे स्क्रू, तीन स्क्रू हैं जो हमारे, वो हम लगा लेते हैं इसमें। दूसरा भी लगा लिए दोस्तों, ठीक है। वो आप भी क्या है ना दोस्तों, आसानी से इसको खोल के रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये उसकी जो है हमने निकाली थी, ये इसके ऊपर लगा देते ताकि ये नीचे रखें ये, ठीक। अब ये ऐसा रखा चुका है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कंप्लीट। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये देखो ये हमारी लाल लाइट जल गई, ये हमारा साउंड ड्रम कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये साउंड ड्रम हमारा कंप्लीट हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, हो गया दोस्तों कंप्लीट।